हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे बेटा। अब तो देखिए ज्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? आज की क्लास में भी करेंगे हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ क्लास, ठीक है। इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ क्लास का हमारा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट वो चल रहा है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, बट अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक आपका कमेंट हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करता है बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने टॉपिक कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से, ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के लिए बेटा सबसे पहले हमें दोबारा से अपने चैप्टर की शुरुआत में जाना पड़ेगा, जहां पर कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे वर्कर्स हैं बेटा उनकी दो कैटेगरी होती है, जिसमें एक होता है बेटा रेगुलर वर्कर और दूसरा होता है बेटा कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। रेगुलर वर्कर कौन सा था बेटा? रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते थे जिनका नाम परमानेंट पेरोल में होता था एम्प्लॉयर के, इसके साथ साथ उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते थे, ठीक है। जैसे कि बेटा उनको प्रोविडेंट फंड मिलता था, उनको पेंशन मिलती थी, ग्रेच्युटी मिलता था बेटा। और दूसरा जो था बेटा वो था कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स को हम लोग डेली वेजर्स भी कह सकते हैं बेटा, और ये वो वर्कर्स होते हैं जिनका नाम ना तो एम्प्लॉयर के परमानेंट पेरोल में होता है और ना ही इनको किसी भी तरीके का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है बेटा। तो इनको हम कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। और कैजुअलाइजेशन जो है बेटा वो बेसिकली कैजुअल वर्कर्स से ही मिलकर बना है। कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि व्हेन नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द इकोनॉमी इज गोइंग टू राइज, और वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा कैजुअल वर्कर्स। जैसे कि आप देखते हो आज के टाइम पर भी बेटा हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है बेटा वो तो हो गई है कम, इसके साथ साथ हो क्या रहा है हमारे यहां पर भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब बढ़ती जा रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब जो है उसमें क्या होता है, उनके पास ऑप्शंस है, वो जब चाहे उनको एम्प्लॉइज को फायर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जॉब जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी ना हो, ठीक है, जिनका नाम एम्प्लॉयर के परमानेंट पे रोल में ना हो, वो बढ़ती जा रही है। और जो रेगुलर वर्कर्स की जॉब थी, ठीक है, उनकी जॉब उनके नंबर्स ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही है। तो इसी प्रोसेस का नाम इन्होंने रखा बेटा कैजुअलाइजेशन। मीन्स कैजुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द इकोनॉमी इज गोइंग टू राइज। जब कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, इनके नंबर्स बढ़ते जाएं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कैजुअलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन, ठीक है बेटा। तो ये था कैजुअलाइजेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, बट बेटा उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर्स की। फॉर्मल सेक्टर्स आर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इट्स इंक्लूड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज या एनी प्राइवेट एंटरप्राइजेज विच हैव 10 और मोर एम्प्लॉइज। कोई भी ऐसी संस्था बेटा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं बेटा, उसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है बेटा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्यों बोलते हैं, अब ये समझिए। देखिए
इसमें जितने भी इंप्लॉइज होते हैं बेटा, उन सबको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब उनको पेंशन भी मिलेगी ओल्ड एज, ठीक है, सॉरी रिटायरमेंट पेंशन। इसके अलावा बेटा उनको पीएफ भी मिलेगा, इसके अलावा उनको ग्रेजुएटी की फैसिलिटी मिलेगी, इसके अलावा इन फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ठीक है, वो अपनी यूनियंस बना सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हैव वेरियस लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, जैसे मिनिमम वेजेस है, उसका लॉ है बेटा कि कम से कम इतना वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब फैसिलिटीज होती है, ये सब बेनिफिट होते हैं बेटा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर्स। दूसरा जो है बेटा वो है इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें 10 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा इनफॉर्मल सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, जिसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, और उसमें 10 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। इसके साथ साथ और क्या फीचर है बेटा, देखिए इसमें एम्प्लॉइज को किसी भी तरीके का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, ना तो बेटा उनका पीएफ कटता है, ना उनको ग्रेजुएटी की बेनिफिट मिलता है, ना उनको कोई रिटायरमेंट पेंशन का प्रोविजन मिलता है। इसके अलावा इन इनफॉर्मल सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस, वो लोग ट्रेड यूनियंस भी नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो लोग ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते तो हार्डली देयर विल बी एनी लॉ थ्रू विच दे कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यानी वो पूरी तरह से मार्केट की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है। अगर मार्केट में उनकी डिमांड होगी तो ऐसे एम्प्लॉइज को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, काम मिलेगा, और अगर डिमांड नहीं होगी तो इनको काम भी नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है बेटा फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इस डिफरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा, ऑल दोज एम्प्लॉई हु वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर्स, उनको हम कहते हैं बेटा फॉर्मल वर्कर्स, उनको हम कहते हैं फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है बेटा। और जो वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। तो अब यहां पे अगर फॉर्मल या इनफॉर्मल वर्कर्स के डिफरेंस की हम लोग बात करें, तो फॉर्मल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन भी मिलेगी बेटा, रिटायरमेंट पेंशन, पीएफ भी मिलेगा बेटा, इसके अलावा ग्रेजुएटी भी मिलेगी। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर्स जो फॉर्मल वर्कर्स है बेटा, वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटीज है, उनको बहुत सारे कानून है जिनकी हेल्प मिलती है, जिसकी हेल्प से वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और यहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं। फिर बात करते हैं बेटा इनफॉर्मल वर्कर्स की। इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो बेटा उनको किसी तरीके का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, वो मार्केट की अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है। उनके लिए किसी प्रकार का जो इनफॉर्मल वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं अप्लाई होता है बेटा, वो किसी भी लॉ के अधिकार लॉ के तहत अपने अधिकारों को संरक्षित नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर राइट्स, दे कैन नॉट फाइट इवन फॉर देयर राइट्स, उनके लिए कोई कानून नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये वर्कर्स होते हैं फॉर्मल वर्कर्स जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और ये वर्कर्स होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब इसका इनफॉर्मलाइजेशन से क्या लेना देना है, इसी का बेटा इनफॉर्मलाइजेशन से लेना देना होता है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या है बेटा, एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स आर गोइंग टू डिक्लाइन एंड नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स आर गोइंग टू राइज, उसको कहते हैं बेटा इनफॉर्मलाइजेशंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ऐसी प्रोसेस
दोबारा से बता रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स वो कम होते जा रहे हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। जैसा कि आज के टाइम पर हमारे देश में इसी तरीके की कुछ सिचुएशंस है, हमारे देश में जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है वो बढ़ता जा रहा है और जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है बेटा वो कम होता जा रहा है। आज के टाइम पे आप देखें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख रहे हैं ताकि सभी एम्प्लॉइज को हर तरीके का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ना देना पड़े। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग देयर ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटू अनऑर्गेनाइज, ठीक है, पूरी तरह से नहीं बट पार्सली दे आर कन्वर्टेड इंटू इट इंटू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। दे डू नॉट वॉन्ट टू प्रोवाइड ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है बेटा। तो इनफॉर्मलाइजेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज का रेशो कम होता जाता है और इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज का रेशो बढ़ता जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स और इनफॉर्मलाइजेशन वर्कर्स, और आज के टाइम पे जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है उसका चलन है इंडिया में, नंबर ऑफ वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर इज गोइंग टू राइज, ठीक है बेटा। इनफॉर्मल वर्कर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसी का नाम रखा इन्होंने इनफॉर्मलाइजेशन। तो बेटा ये था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में। आई होप आपको ये चीजें अच्छी से समझ में आ गई होगी बेटा। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स आर गोइंग टू डिक्लाइन एंड नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स आर गोइंग टू राइज, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।